हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और ये एक वीडियो बनाया जा रहा है आपके बीसीईसी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिहार में आपका कंबाइंड एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर एडमिशन के लिए, उसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आ चुका है। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दीजिए। सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो है आपके एडमिट कार्ड पर लिखे हुए हैं, आप लोग इसको जो है फॉलो ज़रूर करिएगा, अदरवाइज आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में चीज़ें दी हैं, अगर आप इस एक बार जान लीजिए क्या क्या आपको लेके जाना है। सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, बिना एडमिट कार्ड के आप इंटर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इसी के साथ में एक वैलिड आईडी प्रूफ, जिसमें फ़ोटो हो, पासबुक हो सकता है आपका, 10+2 का एडमिट कार्ड जो आता था एग्ज़ाम का वो हो सकता है, पासबुक है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, कुछ भी जिसमें जो है फ़ोटो हो वो आपको आईडी ले जानी है। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जानी है, जैसा कि आपने फॉर्म भरते समय आपने अपलोड किया है। ठीक, उसके बाद सैनिटाइज़र लेके जाना है 50 ml। ठीक है, और जो जिस बोतल में आप लेके जा रहे हैं सैनिटाइज़र, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये नहीं है कि उसके अंदर का या बाहर का दिखे नहीं। ठीक है, आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं, वाटर बोतल भी अलाउ है, आप ले जा सकते हैं। ठीक है, मास्क आपको लगा के जाना है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको जो है एग्ज़ाम में जाके करना है, इतना कुछ आपको लेके जाना है। बिना मास्क सैनिटाइज़र के आपको जो है अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद देखिए, आपको टी शर्ट पहन के जाना है। ठीक है, टी शर्ट होनी चाहिए, वो भी हाफ। ठीक है, स्लीपर पहन के जाना है, अगर शूज़ पहन के जाएंगे तो अलाउ नहीं किया जाएगा आपको, जूते पहन के बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। कैप नहीं होनी चाहिए, कैप नहीं लगा के जाइए, बेल्ट वगैरह है, बिना बेल्ट के जा सकते हैं, बिना बेल्ट के जाइए। वॉलेट नहीं ले जाना है, ठीक है, वॉलेट नहीं ले जाना है लोगों को, एटीएम कार्ड वगैरह जेब में डाल के नहीं ले जाना है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आता है, इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं ले जानी, घड़ी नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ले जानी है, और ये चीज़ें आपको नहीं ले जानी है, इसमें टी शर्ट और स्लीपर पहन के आपको जाना है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। ठीक है, 10 तारीख को जिन्होंने बीसीसी का फॉर्म भरा है, तो उसमें से कई ग्रुप होते हैं, जैसे आप जानते हैं आपका पीसीएम से लोगों ने फॉर्म डाला होगा, पीसीबी से डाला होगा, और पीसीए से डाला होगा, बीसीए। ठीक है, बायो केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा ये है कि इनको 2 दिन का समय दिया जा रहा है, मतलब 10 तारीख को आपका बायो और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और 11 को आपका एग्रीकल्चर का है। ठीक है, इनका जो है 10 को ही है पूरा स्लॉट दे रखा आपके एडमिट कार्ड में, आप देखिएगा अलग अलग एक डेढ़ डेढ़ घंटे का, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का जो है आपका स्लॉट है। जैसा आप जानते हैं 100-100 क्वेश्चन आएगा, 300 क्वेश्चन होगा, 100 आपका बायो होगा, 100 केमिस्ट्री होगा, 100 एग्रीकल्चर। ठीक, तो जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो उस चीज़ का ध्यान दे दें, आपका जो 7-8 दिन बचा है इसमें क्या रिविज़न करना है, कहाँ कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बायो पढ़ते समय आप ध्यान रखिए हार्मोन्स का। ठीक है, एंजाइम्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस है ना, रिस्पायरेशन और वाटर रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में फिर आता है आपका जूलॉजी, इसी में पढ़ाया जाता है आपको, तो जूलॉजी में आपको क्लासिफिकेशन जो है, जो क्लासिफिकेशन है वो सभी का पढ़ना है, 2 या 4 क्वेश्चन आपको वहाँ से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद जूलॉजी में कुछ एक जंतु हैं, जैसे आपका जो है कॉकरोच है, ठीक है, और स्क्वायरल या गिलहरी है, और आपका कबूतर है। ठीक है, इस तरीके से कुछ एक इम्पॉर्टेंट उसमें जीव जंतु हैं जिनके बारे में आपको विस्तृत से पढ़ लेना है, चूँकि आपके पास समय कम है, तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको बायो में पढ़ने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको इनसे मिलेंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बाद जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी आपको कोचिंग की तरफ से पढ़ाई गई है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, IUPAC, ठीक है, IUPAC एक आध क्वेश्चन आता है, उसके बाद मोलारिटी निकालना, ठीक है, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर आपको जो है केमिस्ट्री में याद रखने हैं, मतलब नहीं याद रखने हैं क्या,
अभी आपका जो समय है उन समय में एक बार इनका रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर का पोर्शन है, कोचिंग में आपको जो है एग्रोनॉमी पढ़ाया गया है। ठीक है, आपको एग्रोनॉमी अच्छे से पढ़ना है, हार्टिकल्चर अच्छे से पढ़ना है, जो भी पढ़ाया गया उसको आप रिवीजन कर डालिए। सॉइल साइंस है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन कर डालिए। ठीक, मेजर सब्जेक्ट है, 100 में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेंगे। उसके बाद आपका डेयरी है, ठीक है, इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, एक्सटेंशन है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं यहाँ, जैसे एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स है, इसके वीडियो आपको डाले गए हुए हैं कोचिंग के एप्लीकेशन पे, आप जाइए उसको देखिए, रिवीजन मारिए तुरंत का तुरंत, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 7 दिन बचा हुआ है। इस चीज़ का अभी आप यहाँ ख्याल रखिएगा, देखिए टोटल नंबर आप क्वेश्चन 300 हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, जितना आपको आ रहा है, अगर आपको 200 क्वेश्चन आ रहा है आप 195 करिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर गलती नहीं करिए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन एक भी गलत ना हो, कोई भी डाउट का क्वेश्चन हो आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब 300 में अगर आप 200 भी कर ले जाते हैं तो सिलेक्शन आपका जो है 100% हो जाता है, आप किसी भी ग्रुप से हो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ ये भी है कि जो इन ग्रुप के लिए है इसमें 50% सीट रिजर्व कर रखे हैं, ठीक है, और इसके अकेले के लिए 50% सीट रिजर्व, यानी कम मेहनत में आपको जो है एडमिशन मिल सकता है, बशर्ते क्या है जो 6 से 7 दिन आपका बचा हुआ है आप इसको बेहतर यूटिलाइज करिए, आप इस समय को जो है इन सब्जेक्टों में इन कंटेंट में आप दीजिए, इसमें से मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पेपर में, और घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि कोई क्वेश्चन जो है आपको लगे कि नहीं आ रहा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन में आप समय दीजिए, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप और करिए। और पहले दिन 2 पोर्शन का आपका है, जो एग्रीकल्चर जिनका 10+2 एग्रीकल्चर है, SCAG है जिनका, उनके इसमें क्या है कि पहले दिन आपका बायो का है और केमिस्ट्री का है। ठीक है, 2 अलग अलग टाइम पे आपका जो है एग्ज़ाम है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का, तो आप मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पुटअप करते जाइए, जो आया जैसे 100 क्वेश्चन हैं आप उसमें जो है 50 करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है 50 करिए, ये ज़रूरी नहीं कि 100 में 100 करके आइए। ठीक है, यहाँ भी ऐसा है 40 आ रहा है 40 करिए 100 में, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर है, अगले दिन 100 क्वेश्चन है, अच्छे से आप पढ़ें, कोचिंग किए हैं, जाहिर सी बात है आप इसमें 75+ करके लेके जाएंगे, इससे कम तो आप करेंगे ही नहीं। ठीक है, इधर 75+ कर दीजिए, आपका एडमिशन जो है 100% हो जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जिस तरीके से आपको कोचिंग में या क्लासेस में पढ़ाया गया है, जो ऑनलाइन कुछ एक वीडियोज़ आपको दिए गए हैं, उन वीडियोज़ को आप एक बार और रिवाइज़ कर लीजिए, आधा आधा एक एक घंटे की वीडियोज़ हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं, 7-8 दिन का समय है, इतना काफ़ी होता है रिवीजन के लिए, आप चाहे तो आप अच्छे से जो है तैयारी कर सकते हैं अभी भी, जो आपने समय दिया है उसके साथ थोड़ा सा और दे दीजिए, 6-7 दिन की बात है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी भी अगर जैसे कुछ बच्चों को अगर कोई समस्या होती है, कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो 8765859848, ठीक है, और उसके बाद 9919595324, इन नंबरों पे आप कॉल कर लीजिए, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, कुछ आपको पूछना हो। अच्छा, एक चीज़ और है, आपके एडमिट कार्ड में जैसे अगर आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था जब, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड में कोई अंतर आता है, कोई भी अंतर, मतलब कि जैसे आपका ग्रुप चेंज हो गया हो, आपने जो है PCM से भरा हो और वहाँ पर आपका PCB आया हो या CBA आ गया हो, इस कंडीशन में 2 से 5 अक्टूबर यानी कि 5 अक्टूबर तक आपके पास समय है करेक्शन कराने का। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड आया है उसी में एक देखिए एड्रेस दे रखा है, नियर पटना एयरपोर्ट एक ऑफिस है BCEC का, आप वहां जा करके इसमें करेक्शन करा सकते हैं, आपके पास समय है। अगर किसी के इसमें इस तरीके की त्रुटियां आई हों, नाम, पिताजी का नाम या कोई और भी दिक्कत, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो, तो आप वहाँ जाके उसको करेक्शन करा सकते हैं खड़े खड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है इसके बाद भी आपको लगता है कोई जानकारी चाहिए, तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।